हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम शेयर कर रहे हैं खस्ता पापड़ी चाट की रेसिपी, जो बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी बनती है। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है ये पापड़ी चाट। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, रमज़ान में भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है ये, और ये रेसिपी सबको बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है ये। ये देखिए, रमज़ान में आप इसे ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी भी है, और ये सबको बहुत पसंद आएगी। 2 कप हम मैदा ले लेंगे। आप यहाँ पर गेहूं के आटे की भी बना सकते हैं। 250 ग्राम मैदा है ये। और यहाँ पर अजवाइन ले लिया है हमने 1 टीस्पून। इस तरह हथेली से क्रश करके हम अजवाइन को ऐड करेंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर हमने सॉल्ट ऐड कर दिया 1 टीस्पून। अब हम यहाँ पर ऑयल या घी ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून। 40 ग्राम आप ऐड कर सकते हैं इसमें। अब हम यहाँ पर पानी ले लेंगे 1/2 कप, और पानी भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हाथों से मिला लेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें मिलाना है इसे। इस आटे को ज़्यादा मलना नहीं है, बस हमें इसे इकट्ठा करना है और अच्छी से इसे हाथों से मिलाते हुए गूंथ लेना है। ज़्यादा चिकना नहीं करना है हमें आटे को। और यहाँ पर हमने नॉर्मल पानी लिया है, ताज़ा पानी, ना गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। ये देखिए, सबको हमने अच्छी तरह इकट्ठा कर लिया आटे को, और इसे हम गूंद लेंगे। बहुत ही जल्दी गूंद जाता है ये आटा। और ये देखिए, हमने रफ सा डो बना लिया है, देख सकते हैं आप। इस आटे को रेस्ट पर रखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसी तरह हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए, अब हम लोई बना लेते हैं छोटी छोटी पापड़ी के लिए। इस तरह छोटी छोटी लोई हम काट लेंगे चाकू की मदद से, और इसे हम बेल लेंगे। आप इस तरह इसे राउंड कर लीजिए। आप इसे हथेली से भी इस तरह राउंड करके बेल सकते हैं। ये देखिए, और इस तरह पतली बेलना है बहुत ही। ये देखिए, इस तरह हम सब पापड़ी को बेल लेंगे। और एक प्लेट में हम इसे रख देंगे। आप हल्का सा प्लेट में ऑयल लगा दीजिए, और आप इसे इस तरह रखते जाइए बेल बेल कर। आप इस तरह कांटे से भी इसे कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये पापड़ी की तरह ही बनेगी, फूलेंगी नहीं। अगर आपकी पापड़ी फूल रही है तो आप कांटे से कर सकते हैं इसे। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमने गरम करके ले लिया है। यहाँ पर हमें मीडियम ही ऑयल गरम करना है, और सारी पापड़ियों को हम इस तरह फ्राई कर लेंगे। मीडियम ऑयल में हम इसे फ्राई कर लेंगे, और इसे हम 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट डब्बे में। किसी भी कंटेनर में आप इसे रख सकते हैं, और जब भी आपका मन हो आप इसे निकालें और पापड़ी चाट बनाकर खाएं। ये देखिए, हमने इसे गोल्डन फ्राई कर लिया है अलट पलट करते हुए। बहुत ही जल्दी बन जाती है ये पापड़ी। ये देखिए, हमने पापड़ी फ्राई कर ली है, और बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी बनी है ये पापड़ी। इसी तरह हम सभी पापड़ियों को इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। अब हम पापड़ी चाट बना लेते हैं। ये देखिए, कुछ पापड़ी हम इसके ऊपर ही ऐड कर देंगे इस तरह तोड़कर। अब हमने बॉइल्ड आलू ले लिए हैं, उबले हुए आलू काट कर हम इस तरह से ले लेंगे। आप यहाँ पर चने भी ले सकते हैं, मसाले चने, या आपके पास रगड़ा हो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सेव ऐड कर दी है, और यहाँ पर हमने दही ले लिया है। इसमें इसे हमने फेंट कर ले लिया। इसमें हमने चीनी ऐड करी थी 1 चम्मच, और अच्छी तरह फेंट कर हमने इसे ले लिया है दही को। अब यहाँ पर हमने हरी चटनी ले ली है, पुदीना और कोथमीर की हरी चटनी ऐड कर देंगे हम, और बहुत ही टेस्टी बनी थी ये चाट। अब हम यहाँ पर अनार के दाने ऐड कर देंगे, और यहाँ पर हमने इमली की चटनी ले ली है। आप इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनी है ये इमली की चटनी। आप इसे 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। ये देखिए, ये भी हमने ऐड कर दी है। अब हम ऊपर से सेव ऐड कर देंगे, इसमें दही ऐड कर देंगे। आप यहाँ पर काला नमक,
भुना हुआ ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं और रेड चिल्ली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और ये ऐसे ही भी बहुत ही टेस्टी बनी है, आप भी इसे बनाएं और इन्जॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।